मेरे पास है सैमसंग का आज 40 इंची का सेट आया था, ठीक है। तो कैबिनेट तो बाहर है, बैक कैबिनेट, आप पैनल नंबर ज़रा देख लीजिए, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या था, कोई पिक्चर बन नहीं रहा था, बैक लाइट एकदम बरोबर ओके था। तो मैंने जो है तिकोन में वोल्टेज जो है VGL, VGH, AVDD और 12 वोल्ट सब चेक कर लिया, तो कोई भी वोल्टेज बन नहीं रहा था, लेकिन ओनली 12 वोल्ट बन रहा था। देखिए इस फ्लैप में लिखा हुआ है इस कोने पे, VGL एंड VGH, उसके साथ VCOM भी लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे VCOM भी है और यहाँ पे VGHP भी है, देख लीजिए एक बार इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये वाला VGL है, इसको ज़रा देख लीजिए, VGL, ये वाला VGH है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज बन नहीं रहा था और शॉर्टिंग भी शो नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया, ये जो ये PC बेल्ट है ये बारी बारी से खोला। जब लेफ्ट को मैंने खोला तो पिक्चर आया नहीं, जब मैंने राइट को खोला तो पिक्चर चला आया। तो मेरे हिसाब से क्या था, राइट में शॉर्टिंग था, तो सीके भी मैंने आइसोलेट किया। यहाँ पे देखिए इसका इस साइड में मैंने आइसोलेट किया, उसके बाद मैंने देखा पिक्चर आया नहीं, तो मैंने क्या किया, ग्लास को खोला, खोल के जब देखा तो इसमें मुझे साइड कॉफ नज़र आए, 3 साइड कॉफ आप देख सकते हैं। ये 3 साइड कॉफ, और इस साइड में भी देख लीजिए, 1, 2 और 3। तो इस साइड ऑफ कर देने से चालू हो जा रहा था, इसलिए मैंने देखा कि ये साइड जो कॉफ है यहाँ पे थोड़ा बंद नज़र आया, ये देखिए इसको अब थोड़ा बंद नज़र आया था। तो मैंने क्या किया, तीनों कॉफ को उखाड़ के रख दिया, देखिए तीनों कॉफ मैंने निकाल दिया, ये पड़ा हुआ है कॉफ आपके सामने, ठीक है। ये कॉफ सही है, इस साइड में जब मैंने खोला, इस साइड से जब खोला पिक्चर था, इस साइड जब ओपन कर दिया तो पिक्चर नहीं था, लेकिन ए साइड ओपन करने से पिक्चर चला आया, मतलब ये साइड में शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग साइड ओपन करने से चालू हो गया, देख लीजिए। तो इसको मैंने कट कर दिया है, क्योंकि जो CKV सिग्नल है ये कोई भी तरफ से जा सकता है, तो इस साइड से CKV कम्प्लीट हो जाएगा तो हम पिक्चर चला आएगा, तो मैंने इसलिए खोल दिया। अब देखते हैं लाइन लेके, देखिए एकदम पिक्चर क्लियर आ गया, सोर्स शायद डाला नहीं है, सोर्स डाल देता हूँ, एक मिनट पकड़ के रखिए। देखिए बराबर पिक्चर आ गया,